सामने आप देख रहे हैं योगा हॉल। बाबा हैं, उनका आज भी वही सम्मान है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैंप के अंदर रूम बनाए गए हैं, तो मोक्ष मिल जाएगा। जरूर मिलना चाहिए, मिल ही गया है। हर हर महादेव। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर हमारी हरिद्वार महाकुंभ यात्रा भव्य यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम धर्म नगरी अध्यात्म नगरी हरिद्वार महाकुंभ की यात्रा कर रहे हैं और आज हमारी यात्रा का चौथा दिन है और हम अपनी यात्रा की शुरुआत मीडिया सेंटर से करेंगे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बड़ा ही भव्य और शानदार मीडिया सेंटर बना है और मीडिया सेंटर के अंदर योगा कैंप भी, योगा हॉल भी बनाया गया है, बहुत बड़ा योगा हॉल जहां पर सुबह में योगा होता है 8 से 9। तो हम मीडिया सेंटर की यात्रा करेंगे, योगा हॉल की यात्रा करेंगे और इसके बाद इसके पीछे महात्यागी कैंप खालसा लगा है जहाँ पर हम भी रह रहे हैं, वहाँ पर आपको ले चलेंगे और बाबाओं और महात्माओं और त्यागियों की रहस्यमयी दुनिया से आपको अवगत कराएंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, आप हमारी अद्भुत रहस्यमय यात्रा को पूरा देखिएगा, पूरा एंजॉय करिएगा। दोस्तों सामने आप देख रहे हैं महाकुंभ 2021 मीडिया सेंटर नील धारा में लगा है, हम अंदर चलेंगे और आपको पूरा मीडिया सेंटर दिखाएंगे, इसके अंदर योगा हॉल भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों सामने आप देख रहे हैं VIP रूम्स बनाए गए हैं, CM या कोई बड़े अधिकारी आते हैं तो उस रूम में जो है ठहरते हैं दोस्तों। और यहाँ पर चलिए इसके अंदर आपको ले कर चलते हैं। वाओ, गजब, अद्भुत। दोस्तों अब हम मीडिया सेंटर के योगा केंद्र में, योगा हॉल में आपको ले जाने वाले हैं और इस महाकुंभ के जरिए सरकार योग का भी प्रचार कर रही है। सामने आप देख रहे हैं योगा हॉल, गजब, भव्य, शानदार। दोस्तों आप देख रहे हैं मीडिया सेंटर और सामने रिसेप्शन। मीडिया सेंटर से होकर के हम महात्यागी कैंप चलेंगे, खालसा चलेंगे, यही रास्ता है। और यहीं पर सामने आप देख रहे होंगे शंकराचार्य जी का भी कैंप लग रहा है, अभी सत्चंडी यज्ञ हो रहा है। और दोस्तों अब हम महात्यागी खालसा कैंप यात्रा कर रहे हैं। पहले हम आपको उस खालसा में ले चलेंगे जहाँ हम ठीक रह रहे हैं और वहाँ का बाबाओं का लाइफ स्टाइल तो आपको दिखाएंगे। सामने आप देख रहे हैं उत्तरांचल ब्रह्मपुरी खालसा और दोस्तों हम इसी खालसा में रह रहे हैं अभी। दोस्तों अब हम उत्तरांचल ब्रह्मपुरी खालसा आ गए हैं जहाँ पर हम भी ठहरे हुए हैं और हमारे बगल में देख रहे हैं महामंडलेश्वर स्वामी दयाराम दास जी महाराज, हम इनसे बात करेंगे। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें आपने मौका दिया बात करने के लिए। जय श्री राम। ये बहुत अच्छे संत हैं, बहुत सारे बाबाओं से हम मिले हैं, सन्यासियों से मिले हैं, पर जमता नहीं हमारा, इसलिए नहीं जमता कि जो आचार विचार और व्यवहार होता है उसमें एकरूपता नहीं होती है। तो बाबा जी आप हमें बताइए कि सही मायने में बाबा कौन है? बाबा तो बहुत पूजनीय शब्द है, सम्मानीय शब्द है जी, जिसमें सेवा भाव है जी, जिसमें साधना है जी, सेवा सुमिरन और सत्संग, तीन की विशेषता, वही बाबा जी। तो बाबा जो होते हैं हमारे समाज के लिए एक आईना का काम करते हैं, जैसा समाज के लोग होते हैं, जैसे बाबा होते हैं वैसे लोग होते हैं। तो आजकल ऐसा क्या हो गया है कि समाज में बाबाओं के प्रति एक धारणा जो है, छवि है, बड़ा निगेटिव बनी है, इसके पीछे रीजन क्या है? जो असल में संत हैं, बाबा हैं, उनका आज भी वही सम्मान है, वही आदर है और उनके प्रति श्रद्धा है, बाकी जो नहीं है उनके विषय हम कुछ बोल नहीं सकते। क्योंकि हम खुद यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर कैंप में खालसा में भक्त आ रहे हैं और बाबाओं के प्रति आज भी श्रद्धा उतनी ही, मतलब दृढ़ता से देखने को मिल रही है जैसा कि आज सैकड़ों साल पहले मिलती थी। तो महाकुंभ वाकई में होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? कुंभ का उद्देश्य है समुद्र मंथन हुआ, मंथन करके उसमें से अमृत निकला जी। ऐसे ही साधु संत मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का जी। उसका जो सार है, जो अमृत है सत्संग के द्वारा,
भागवत कथा के द्वारा, राम कथा के द्वारा, यज्ञ के द्वारा ये सेवा करते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, जनता जनार्दन सेवा करते हैं और ये बड़े बड़े लंगर लगाते हैं, भंडारा करते हैं। उसमें पूछा नहीं जाता आप कौन मजहब के हैं, कौन है, सबकी सेवा होती, सबको भोजन कराया जाता है, सबको औषधियाँ देते हैं, तो विश्व के कल्याण के लिए काम करते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो जी। हम लोग कहते हैं धर्म की जय, जो धर्म का पालन हो उसकी जय हो और विश्व का कल्याण हो जी। और सब में, सब जितने भी प्राणी है, प्राणी में सद्भावना हो जी। ये हमारा सनातन धर्म की विशेषता है जी। तो जो महाकुंभ की आपने व्याख्या की, शायद हम पहली बार सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छी व्याख्या की। और हम महाराज जी के बारे में क्या बताएं, ये हमें इसलिए अच्छे लगते हैं कि इनका आचरण, आचार विचार और व्यवहार में एकरूपता है। बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जय श्री राम, जय गंगा मैया, जय श्री राम। बाबा रघुवर दास खालसा राजधानी के साथ ही लगा हुआ है, यहाँ बगल अच्छा, में साथ ही में लगा है। हाँ, तो बताइए इस बार कैसी व्यवस्था है इस महाकुंभ में? कुंभ में व्यवस्था तो सरकार ठीक दिया है, जल्दी जल्दी जो है कर रहा है। अब कोरोना के वजह से बाहरी आने वाले टेस्ट से जो है थोड़ा सा मीडिया या किसी से जो है दुखी आने जाने घबरा रहे हैं, और नहीं तो व्यवस्था तो सरकार ठीक ही कर रही है। तो इस बार महाकुंभ के अवसर पर आप लोगों को क्या मैसेज देंगे जो यहाँ आ रहे हैं? इधर मनसा देवी हैं, इधर चंडी देवी हैं, दोनों के बीच में गंगा का धारा है, ब्रह्मकुंड है। अब ब्रह्मकुंड से जो है जो निकलता है अमृत, यहाँ चारों तरफ श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, राम नाम का अखंड कीर्तन, वही सार तत्व है। उसी में से जो मंथन करके राम नाम निकलता वही सबका कल्याण करने वाला है। और ये सामने आप देख रहे हैं कुटी बना हुआ है, जो भी खालसा के अध्यक्ष होंगे वो इसी कुटी में रहेंगे दोस्तों। तो प्रॉपर सुख सुविधाओं से सुसज्जित एक कुटिया आप देख रहे हैं, पूरे खालसा में इसी तरह की कुटिया आपको मिलेंगे हरिद्वार में दोस्तों। और यहाँ पर आप देखिए श्रद्धालुओं के रहने के लिए प्रॉपर टेंट भी लगाए गए हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ पर अभी कुछ श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, सोए हुए हैं। बताइए भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? हम मुरैना जिले, शिवपुर जिले, नजदीक ग्वालियर के पास में गसमा विजयपुर के रहने वाले हैं। जी जी, बताइए। तो यहाँ पूर्ण कुंभ में, महाकुंभ में आकर के कैसा लग रहा है, किस तरह की अनुभूति हो रही है इस पवित्र धरती पर आकर? कुंभ में बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत सुकून है, शांति है और व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है कुंभ में। यहाँ लैट्रिन बाथरूम की अच्छी व्यवस्था है, पानी की अच्छी व्यवस्था है और आश्रम में रहने रुकने की और जगह रहने खाने किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। सभी से अनुरोध है कि लोग आगे आएँ, कुंभ का दर्शन करें, महाकुंभ गंगा मैया की आरती के दर्शन करें, अपने जीवन धन्य करें। आप स्नान कर लिए हैं? बिल्कुल, सुबह से हम दोनों टाइम स्नान करते हैं। दोनों टाइम स्नान कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, शांति मिल रही है और बहुत सभी व्यवस्थाएँ अच्छी हैं। शौचालय अच्छी व्यवस्था है, पीने की अच्छी व्यवस्था है और जगह जगह भंडारा चल रहा है। भंडारा, खाने पीने की, रहने की कोई हर जगह व्यवस्था है? बहुत हर जगह व्यवस्था है। और यहाँ सामने देख रहे हैं खालसा में शालिग्राम भगवान की स्थापना हुई है और यहाँ कुंभ में जितने भी खालसा हैं हर जगह शालिग्राम भगवान की पहले स्थापना होती है और इसी के बगल में भंडार घर है। चलिए आपको भंडार घर में लेकर के चलते हैं। आप देख रहे हैं आज भंडारा भी है, उसी की तैयारी चल रही है और यहाँ पर जो है कारीगर लगे हुए हैं जोर शोर से। संतों का भंडारा हो रहा है, उसकी तैयारी चल रही है। 500-600 आदमी बैठ जाएगा, 1000 आदमी बैठ सकता है। 1000 लोगों का खाना यहाँ पर तैयार हो रहा है। 1000 लोगों का खाना तैयार हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर आप देख रहे हैं खीर बनकर तैयार हो चुका है, बिल्कुल शुद्ध दूध में बना है। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको, यहाँ पर भंडारा में बना करके संतों का भोजन? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। कहो गंगा मैया के, सब महिमा है गोविंद भगवान की, जय हो। और ये राम कुमार जी है, इस आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं सेवा में, तो सेवा करके कैसा लग रहा है राम कुमार जी? आनंद आता है सेवा करने में, तो संतों की सेवा कहाँ मिलनी,
यहाँ पर आप देख रहे हैं खालसा में शौचालय की भी प्रॉपर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर 4 शौचालय है और बिल्कुल ही साफ़ सुथरा शौचालय आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 BP नंबरिंग किया गया है 100। आपको इस कोड के साथ व्हाट्सएप मैसेज करना है, सफाई वाला तुरंत आ जाएगा और पूरे शौचालय की सफाई करेगा दोस्तों। तो कुंभ में शौचालय की ज़बरदस्त व्यवस्था यहाँ पर है, साफ सफाई की भी व्यवस्था है, बिल्कुल डिजिटल माध्यम से सफाई की व्यवस्था है दोस्तों। और यहाँ शौचालय के साथ साथ पानी की भी प्रॉपर व्यवस्था है। सामने आप देख रहे हैं नल लगे हुए हैं और सिर्फ एक खालसा की बात नहीं है, यहाँ नीलधारा में जितने भी खालसा हैं हर खालसा में इसी तरह की फैसिलिटीज़ है दोस्तों। आप देख रहे हैं दूसरे खालसा भी हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तरांचल ब्रह्मपुरी खालसा के जस्ट अपोजिट साइड में एक और खालसा लगा है, सामने आप देख रहे हैं, इसके अंदर चलेंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं धुनी जल रही है और उसके आसपास बाबा बैठे हैं और जो गृहस्थी होते हैं जो बाबा पास आते हैं ज्ञान के लिए सत्संग सुनने के लिए वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब बताइए आप कहाँ से आए हुए हैं? उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी से पधारे हम। तो यहाँ पर कुंभ नगरी में आकर के कैसा लग रहा है? कुंभ नगरी में आके एकदम आनंद का आध्यात्मिक माहौल है और अध्यात्म को हम लोग बहुत करीब से जानने के लिए ऐसे महात्माओं का नाते हैं, बैठते हैं, आध्यात्मिक जानकारियाँ लेते हैं, इससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। सामने आप देख रहे हैं महाकुंभ हरिद्वार महात्यागी कैंप दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं झंडा लगाया जा रहा है, हर अखाड़े का अपना झंडा भी होता है वो आप देख रहे हैं सामने, और एक खास आयोजन होता है झंडा को लगाने के लिए। और अभी कीर्तन शुरू होगा, श्री राम जय राम जय जय राम। वाओ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कैंप के अंदर रूम बनाए गए हैं, वाओ गजब, इसमें कूलर भी चल रहा है, बिल्कुल रूम जैसी फीलिंग आएगी दोस्तों। लोग यहाँ पर कुंभ में आए विश्राम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है कैंप्स में दोस्तों। यहाँ पर आप आ सकते हैं यहाँ पर ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए और गंगा में डुबकी लगाने के लिए। हम राजस्थान से आए हैं। तो कैसा लग रहा है राजस्थान से यहाँ पर आ गए गंगा स्नान करने के लिए? बहुत आनंद आ रहा है और कोई समस्या नहीं है। बाबा जी भी आए हैं, बाबा जी बताइए आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान केंगड़ी से आए। राजस्थान से आए हैं जी। तो यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या, क्यों आए हैं? ये संतों की सेवा में आनंद लेने के लिए है। बढ़िया कुंभ का मेला चल रहा है, गंगा मैया के स्नान हो रहे हैं और गंगा ज्ञान का आनंद आ रहा है। तो ज्ञान और गंगा सब कुछ चल रहा है साथ साथ? हाँ, सब आनंद आ रहा है, साथ साथ में आनंद आ रहा है। और शालिग्राम भगवान की यहाँ पर आप देख रहे हैं स्थापना हुई है। ये बाबा जी आपका कैंप कहाँ का है? ये इंदौर वीर खेड़ापति हनुमान। जी जी जी। हाँ, तो यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है महाकुंभ में इस बार? यहाँ पे सब अनक्षेत्र चल रहा है, जो भी भक्त आ रहे हैं सबको प्रसाद पवा रहे हैं, सबको आनंद से भगवान के दर्शन करा रहे हैं। खूब। और यहाँ पे भक्त जो है आते हैं सत्संग के लिए भी आते हैं, तो सत्संग वगैरह भी हो रहा है? हाँ, सत्संग भी होता है, राम कथा चलती है, सत्संग भी होता है और धर्म ज्ञान की चर्चा होती है। गंगा जी का तैरना बनिए का व्यापार, डूब गया तो पार है, पार गया तो पार, दोनों हाथ लड्डू है। और यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं भारत भूषण दास महात्यागी जी का कैंप लगा हुआ है, हम इसके अंदर चलेंगे। और इसके अंदर अभी आप देख रहे हैं सत्संग चल रहा है, श्रद्धालु बैठे हुए हैं, सत्संग ज्ञान का अमृत पान कर रहे हैं और रियल में ही महाकुंभ होता है। दीप करके और बढ़िया सुंदर से फिर चूल्हा जलता, फिर इधर जो है दधी को मथा जा रहा है, प्रसाद 8 बजे तक कलेवा भी तैयार हो गए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कुटिया में राम नाम जप हो रहा है। Thank you.
और दोस्तों हम महात्यागी कैंप से बाहर आ चुके हैं, बिल्कुल गंगा के तट पर, सुरम्य तट पर। और सामने आप चंडी घाट देख रहे होंगे, ऊपर में पहाड़ पर चंडी मंदिर भी है। तो चलिए हम आपको गंगा घाट दिखाते हैं यहाँ का। और यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं नील धारा में कल कल बहती गंगा, और सामने भव्य और अद्भुत चंडी घाट। और यहीं गंगा की धारा में बाबाओं को स्नान करते हुए हर। तो कैसा लगा स्नान करके? बहुत अच्छा लगा भाई, आनंद आ गया दिन भर। हाँ आनंद आ गया, दिन भर का ठंडा चला गया, दिन भर का गर्मी से थकान चला गया, पूरा थकान चला गया। तो अच्छा बाबा जी, गंगा में स्नान करने से मुक्ति भी मिलती है, तो आपके बारे में क्या विचार है? होना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है ऐसा होना चाहिए। मुक्ति मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलना चाहिए, अब वो तो कन्फर्म नहीं है। मिलना चाहिए कन्फर्म नहीं है। कन्फर्म कैसा? अब जब तुम मर के जाए देंगे तब। हाँ बिल्कुल सही बात आपने कहा, जब अनुभव होगा तब। अनुभव होगा तभी। ऐसा लगा बाबा जी गंगा में स्नान करके? बढ़िया लगा, सुंदर लगा, पवित्र हो मन, मन पवित्र हो गया। तो मोक्ष मिल जाएगा? हाँ जरूर मिलना चाहिए, मिल ही गया है मोक्ष, जल्दी मिल गया। वाह गजब बाबा जी, बहुत खुश नजर आ रहे हैं गंगा में डुबकी लगाने के बाद। वाह। और दोस्तों सामने आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग भी लगाई गई है, ताकि लोग बीच में गंगा में ना जाएं, किसी को कोई नुकसान ना हो।